it was a huge opportunity, amazing exposure. हम पहुंचे हैं आज वेट एंड जॉय. सो बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, जब भी आप देखते हो ना कहीं पे बैनर्स में फोटोज़ आते हैं या फिर कहीं पे सोशल मीडिया पे फोटोज़ आते हैं तो उसके पीछे कैसा होता है. सो वही आई एम गोइंग टू शेयर टुडे बिकॉज आई हैड डन दिस अर्लियर ऑल्सो एंड आई हैड एन्जॉयड इट थरली. सेम वॉज टुडे, बहुत अमेजिंग था. सो हम यहाँ पे पहुँचे थे, यानी यहाँ पे कुछ फोटोज़ लेने का ट्राई कर रही थी और सुभाष के साथ पे बहुत सारी उसने लड़ाई भी करी. बताती हूँ क्यों. मतलब ये लोग जब जहाँ पे भी पहुँचते हैं ना बिल्कुल भाई बहन जैसे होता है ना वैसे लड़ते हैं. सुभाष भी मतलब बिल्कुल बच्चा बन जाता है बिकॉज ये अनन्या ऐसे फोटोज़ ले रही थी अपना और सुभाष ने बीच बीच में आके ना उसका फोटो बॉम्बिंग कर उसकी फ़ोटो ख़राब कर दी. फिर हमने बैठ के थोड़ा टाइम पास किया बिकॉज 10 o'clock से हमारा स्टार्ट होना था और हम अराउंड 9 o'clock ही पहुंच गए थे. और ये जैसे स्टार्ट होता है ना 10 o'clock तो यहाँ पे ये डांस वांस होता है, ये सारे टेडीज़ वेडीज़ जो बन के आते हैं. और ये है हमारी टीम पूरी कैमरामैन की और अनन्या ने एक मस्त फ्रेंडशिप कर ली उनसे. तो हम भी करने आए हैं लेकिन अनन्या ने ये दोस्ती बना ली उनसे. सारे अच्छे फोटोज अनन्या की आएंगे ऐसा लगता है. मेन बच्चों का ही है, चिल्ड्रंस डे के हिसाब से प्लस दिवाली के हिसाब से भी कर रहे हैं बट मोर ऑफ लाइक इट इज़ चाइल्ड फ्रेंडली एरिया करके है. सो या एक्साइटेड, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. सो दी एंटायर डे वॉज प्लान बाय देम. तो जाके शूट से पहले बिकॉज वी वर वेरी अर्ली तो उन्होंने ब्रेकफास्ट का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था. सो ये है वहाँ पे जो वाटर पार्क साइड है ना वो वाला साइड, तो हमारा थीम पार्क में मेन शूट था. सो ये यहाँ पे हम लोग आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए. तो यहाँ पे आई थिंक रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं बट यहाँ पे कुछ बूफे सिस्टम जैसा था. सो दिस वॉज वॉट आई एट इन द मॉर्निंग. सैंडविच लिया था, इडली लिया था, चटनी लिया था, सुभाष ने सांभर लिया था. मुझे सांभर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता और ये हमको बैंड्स दिए गए थे यहाँ पे एंड आई हैड टी. सो यहाँ पे चेयर्स फ्रेंड्स यहाँ से विद दिस ऑसम एक्सपीरियंस. उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम चल दिए अंदर जहाँ पे हमको शूट करना था. और अनन्या आप देख रहे हो बिल्कुल भाई सेट है बिल्कुल. सो यहाँ से हमारा शूट स्टार्ट होना था तो पूरा यहाँ पे उन्होंने हमको गाइड किया कि कैसे हमको क्या करना है. फर्स्ट शूट के लिए अनन्या रेडी हो रही है. सो यहाँ पे ये डांसर्स हैं इनके साथ, शी इज गोइंग टू शूट. सो हमारी टीम इधर है रेडी. मैंने पूरी कोशिश करी है कि उसको राइड मिल सके. वो पूछते मैं ये राइड करूँ क्या, वो राइड करूँगा, कौन सा राइड करूँ. सो यहाँ पे ये सब राइड्स है ना, उसका मन उछला और ये है पूरा ऊपर से नीचे ड्रॉप. सो डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स लिए जा रहे हैं, वो शॉट समझा रहे हैं कहाँ से कैसे वॉक करके आना है, कौन से राइड्स लेने हैं. सो हियर इज द टीम, हियर इज द अदर टीम. सो वी विद अदर फैमिली, उनके ये बच्चे हैं तो उनके साथ वी आर डूइंग इट. सो इट इज रियली सो मच फन. तो अभी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है तो अनन्या सुपर एक्साइटेड, वो अकेली बैठेगी उसमें. सो वैसे ये राइड पूरा हमारे लिए ही है, ऑल फॉर आवर सेल्फ. हियर इज आवर फोटोग्राफर. सो राइड पे शूट है तो हमको इधर बैठाया है और हमारी कैमरा टीम उधर है सो दैट हमारे एक्सप्रेशन हो सके. अनन्या एक्साइटेड, ये बड़ा मस्त कूल कूल सा ब्रीजी ब्रीजी सा है. सो
तो एक बार हमको बोला कि मतलब कैसे आप आपको आपको आना है और यू नो बच्चे को बिठाना है, तो ये सब डायरेक्शंस उनकी तरफ से ही आ रहे थे. कुछ कैंडिड शॉट्स चाहिए थे, तो हमारे साथ यू कैन सी देयर इज़ अनदर फैमिली, सो साथ में ही हमारा शूट चल रहा था, वी वर शोन एज अ फैमिली समवेयर. सो इस हिसाब से पूरा जो शूट था ना वैसा ही था. सो ये कैमरामैन ऐसे बैठे थे कि हम लोग इधर जा रहे थे, वो लोग कहीं और ही जा रहे थे. सो मतलब बिहाइंड द सीन्स यू कैन सी इट इज़ सो टफ. आप जो देखते हो ना फोटोज़ वगैरह, हमको भी एक्चुअली मी बींग एन व्लॉगर जो पूरे टाइम वीडियो फोटोज़ लेते हैं, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. बट देन आज यू नो ये आप भी देख सकते हो कि इट इज़ सो टफ टू गेट दो शॉट्स. एक बार इधर घूम रहा था, एक बार उधर घूम रहा था बंदा. बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और ये है जो वीडियोस ले रहा है, एंड देर आर टू पीपल हु आर टेकिंग फोटोज. सभी यहाँ पे शूट है, यहाँ पे टेडी के साथ खेलते हुए, और मुझे ये राइड करना है. मेरा मन कर रहा है कब हम फ्री होएंगे मैं ये वाला राइड करूँगी. What I want you to do, when I say action, so basically before I say action, you all are talking with each other. Okay. Once I say action, you have to point at, ooh, it's going up, yeah? Okay. Okay? Action. So in between, we are trying to have our fun. Phek de, paani mein, daal de. वीडियोग्राफर को बिजी कर दिया रन्या ने. ओहो नहीं यार, अरे ऐसे नहीं हुआ. इट्स नहीं चल रहे हैं, जस्ट फोटो. उधर कैमरामैन बैठा हुआ है, सच अ टफ जॉब. वो देखो एक्सप्रेशंस लेने के लिए बैठना भी है, कैमरा भी सेट करना है, सो टफ. एंड हियर वी आर. बड़ों के राइड्स तो मिल नहीं रहे, बच्चों के राइड्स में बिठा रहे हैं हमको सब. हम कुछ फिट नहीं हो रहे. नहीं मैं फिट हो जा रही हूँ. ओके यहाँ पे भी इसको हैरी पॉटर दिख गया, पता नहीं कहाँ पे. तो ये एक राइड था जो मेरी जिस पे मेरी नज़र स्टार्टिंग से थी, मुझे ये राइड करना था. तो मैं जहाँ पे भी जा रही थी, लेकिन मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. और फाइनली हमने इतने सारे राइड्स कर लिए थे, इसको मैंने लास्ट के लिए रखा था. सो आई वॉज लाइक कि करूँ कि नहीं करूँ, उतने में हमारा टाइम ही खत्म हो गया था और यू नो काफ़ी लेट हो गया था, तो वो हम नहीं कर पाए. सो उसके बाद भी हमने काफ़ी सारी जगह शूट करी, वो मैं आपको नहीं दिखा रही बिकॉज इट इज़ लाइक वही जैसा आपने देखा. सो वही सब था, अलग अलग राइड्स थे, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग तरीके से रील्स और फोटोज़ वो शूट हुए. फिर फाइनली अनन्या ने ये वाला राइड लिया, इससे पहले छोटा था वो किया, उसके बाद ये वाला राइड लिया. माय गॉड, अनन्या का मैं कहना मानना पड़ेगा, मतलब शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट. और ये देखो सुभाष और अनन्या वो रहे, ठीक है, इतना ऊपर गया ये, इतना ऊपर. मैंने नहीं किया ये बिकॉज मुझे ना ऐसे चक्कर से आ रहे थे, तो छोटा वाला मैंने किया ना तो मेरा सर घूम रहा था. मुझे वो जब से ये मोशन सिकनेस हुआ है ना, तब से ये राउंड राउंड वाले बड़े दिक्कत देते हैं. सो मैंने नहीं किया, मैंने कहा तुम लोग जाओ भाई, मुझे नहीं करना है, मुझे फोटोशूट करना है. पता चले कि मैं चक्कर खा के वहीं गिर गई, पूरे दिन का काम अटक जाएगा. सो वो सब हुआ, फोटोशूट हुआ, देन वी हैड लंच, और उसके बाद हमारा प्लान था एक वाटर वाला राइड, हमने वो लिया, और फिर हमारा था एथनिक. सो बाकी सब शूट हो गया. अभी दिवाली के हिसाब से एथनिक वेयर का शूट है. सो अभी जस्ट चेंज इट टू एथनिक वेयर. मैंने ये पहना है, अनन्या ने वो लहंगा पहना है. सो उसके कुछ फोटोज लेने हैं, उसके बाद फिर चाय वाय पियेंगे और फिर घर. फाइनली इट वॉज, हाउ वॉज इट अनन्या? बहुत अच्छा, मैं वापस आऊंगी. तो या अच्छा लग रहा है, काफी मजा आया. इट वॉज रियली अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. सो अनन्या सुभाष एंजॉयड, अनन्या एंजॉयड, या. सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो सैटरडे के बाद दिस इज़ मंडे मॉर्निंग, मॉर्निंग की हसल, बच्चों को स्कूल के लिए भेजना. तो यहाँ पे मैंने सॉसेजेस बनाए थे, और आज ना वो सैंडविच की जगह मैं सोचा सॉसेजेस वाले पराठे बनाती हूँ. सुपर हेल्दी, सुपर न्यूट्रिशियस, काफ़ी फुल रखते हैं बच्चों को. सो जैसे मंडा पराठा बनाते हैं वैसे ही बनाया. छोटे छोटे दो पराठे बेल लिए थे कच्चे कच्चे, और अंडा डाल के उसमें इसको डाल दिया, उसके बाद उसमें चीज़ डाला, और फिर सॉसेजेस डाले. ऊपर वाला पराठा ऐसा लगता है कि स्टिक नहीं होगा, बट ये यू नो लास्ट में स्टिक हो जाता है बिकॉज चीज़ मेल्ट हो जाता है. या फिर आप पहले सॉसेजेस अंडे डाल के उसमें पराठा डाल दिया,
उसके बाद में सॉसेजेस डाल के ऊपर से चीज़ डालो तो दूसरा पराठा भी रेडी हो जाएगा। तो मेरी चाय भी यहाँ पे साइड बाय साइड बन गया। आई नीड दैट टीम मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा। सो सब अच्छे से स्टिक हो जाता है। उसके बाद फिर छोटे छोटे पीसेज में इसको आप काट लो तो ईजी टू ईट। स्वर्णा का चल रहा है नाश्ता। एक पैर पर सॉक्स है, एक पैर का सॉक्स मेरे पास है। हाँ रन्या, उसको ये सॉसेजेस इतने पसंद है ना, इतने चाव से खाती है आराम से। मैंने जल्दी खा, चल मैं सॉक्स बना देती हूँ, ठीक है चलेगा। तो बस छुट्टी स्टार्ट होने वाली है अनन्या की, तो ऐश होने वाली है। इस बार दिवाली पे छुट्टी दी है। हमेशा जनरली ना अनन्या की स्कूल की गणपति के टाइम पे छुट्टी होती है ना, दिवाली पे दो दिन दिन की छुट्टी मिलती है जहाँ तक मुझे याद है, पर इस बार दिवाली की लंबी छुट्टी अनन्या की है। मस्त, अच्छा खाओ खाओ, चपट 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 चपट। अनन्या बिल्कुल खाने में इतनी मस्त बिजी, और अनन्या आज बहुत खुश है क्योंकि अनन्या को आज सॉक्स के दोनों सेम पैर मिल गए ना। हमेशा अनन्या के ना दो तीन जोड़ी सॉक्स के हैं, लेकिन दो जो सेम सेम जोड़ियाँ वो नहीं मिलती, एक दूसरे का मिलता है एक दूसरे का मिलता है। आज बड़ी खुश है अनन्या। हाँ अरे कितनी आवाज कर करके खा रही है ना, जानबूझ के करी, जैसे वीडियो ऑन करी हूँ गपक 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 गपक। क्यूट दिखने के लिए हो आप, वैसे ही बहुत क्यूट, आपको क्यूट दिखने के लिए चपट चपट करके खाने की जरूरत नहीं है। सुंदर लग रहा है क्या? अरे हमेशा बाहर का मुझे दिखाती, मम्मा देखो सुंदर है एक्चुअली, बिल्कुल ऑरेंज पूरा शेड। देख मेरे कैमरे में कैसा रहा ना, देख बिल्कुल ऑरेंज ना, पिंक पिंकिश पीची ऑरेंज, बहुत सुंदर लग रहा है। बस कुछ दिन और का ये व्यू देख लो फ्रेंड्स, फिर दूसरे बालकनी से दूसरा व्यू दिखाएंगे ना अनन्या। विल मिस दिस व्यू, ओपन व्यू। सो रोज़ सुबह आके एक बार भगवान को थैंक यू बोलना तो बनता है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है हाथ जोड़ के यहाँ पे हर रोज़। ये देखो एक दो चीज़ें ख़त्म हो गई, मैंने बोला सुभाष को, सुभाष गुड़ और ये ना नफीस के टोस्ट हमको बहुत पसंद है, ख़त्म हो रहे हैं। तो सुभाष ने देखो कितने मंगाए, 1 2 3 4 5 6 22 उसे पूरी दुकान लगा दिया ना। काफ़ी बार ये चीज़ें ना मिलती नहीं है, ये स्पेशली इस ब्रांड का मैं लेती हूँ प्रो नेचर का, तो उसने तो बिल्कुल ऐसा भर दिया। मैंने काउंटिंग गलत करी, जस्ट लुक एट दिस, 1 2 3 4 ऐसा लग रहा है कि हम लोग दुकान खोलने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 ये देखो ये देखो, बस भाग का ना क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसने डबल ऑर्डर प्लेस कर दिया, तीन और दो रखे होंगे और फिर वापस से प्लेस कर दिया तो 6 और 4 हो गए। ओह चलो एक को तो रिफिल किया जाए। सो यहाँ पे कुछ बर्तन थे जो ना डिश वॉशर सेफ नहीं है, तो उनको हाथ से वॉश करना पड़ता है, तो रात को रह गए थे। सो और बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हुए नहीं थे, तो इसलिए डिश वॉशर रात को लगाया नहीं था, तो वही थोड़े से हाथ से वॉश कर रही हूँ। लंच बनाने के लिए भी एक दो कढ़ाई चाहिए होती है, सो इस टाइम पर जब मेरा टाइम होता है अनन्या को ड्रॉप करने के बाद आधा घंटा, तो मैं ये फटाफट से कर लेती हूँ, बिकॉज फिर लंच के टाइम पर बर्तन धो के उसके बाद खाना बनाना इज़ लाइक क्वाइट, ऐसा मन नहीं करता है। सो डिश वॉशर का मुझे तो क्वेरीज इतने आते हैं, हर बार मैं आंसर करती हूँ, डिश वॉशर इज़ समथिंग विच विल हेल्प यू, बट वो मेड की जगह नहीं ले सकता है। मुझे अभी भी कमेंट्स आते हैं, मैडम इतना धोते हो, जो मैंने डिश वॉशर का रिव्यू वीडियो बनाया था ना, कि आप इतना बर्तन को धोते हो, इससे अच्छा आप खुद ही धो लो। सो येस आई कंप्लीटली अग्री कि उसमें करना पड़ता है एफर्ट, बट देन मेरा पॉइंट ही है, अगर आप खुद से सब कुछ करते हो तो आपका डिश वॉशर हेल्प करेगा, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी मेड है तो डोंट गो फॉर अ डिश वॉशर, मेड से ही काम करवाओ। सो दिस इज माई ओपिनियन। चलो किचन का काम हो गया है, मतलब किचन तो ऐसा है कि दिन में जितने बार भी साफ करो उतना ही कम पड़ता है, तो अभी किचन समेट दिया है। अभी बज रहे हैं 7:15, वीडियो का थोड़ा सा काम रहता है बिकॉज 7:30 बजे मेरा वीडियो लाइव होएगा, सो वो काम करूंगी, फिर जाऊंगी जुम्बा और जिम भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, सो आई विल गो टू जिम, सो मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको मिलूंगी उसके बाद। डन विद जुम्बा, अभी टू जिम। रहने की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी ना तो बड़ा मुश्किल होगा जुम्बा और जिम करना, बिकॉज बहुत अपने आप को पुश करना पड़ता है। अंकल लोग आजकल एक दूसरे को इतने एनर्जी के साथ विश करते हैं, जय श्री कृष्ण, पूरी सोसाइटी को पता चलता है इतनी एनर्जी इस उम्र में। इससे बेटर क्या हो भाई, जिम से आओ और बिल्कुल गर्मा गर्म रेडी चाय मिलो। देखो सुभाष ने कुछ चाय रेडी करके रखी है, वो देखो सुभाष बाल सेट कर रहा है। अब तो कमेंट सेक्शन में आने लग गया है कि बाल अच्छे नहीं, तो बाल बिल्कुल ऐसे ऐसे सेट करें कि देखो मेरे बाल अच्छे, बाल अच्छे। अच्छे वैसे हम लोग जिस दिन फोटोशूट के लिए गए थे, मैं बताती हूँ आपको डिटेल्स, सुभाष के बाल एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे। सो डिपेंड करता है एक्चुअली, घर में सेट नहीं है बस ये वाले जो ना ये, क्योंकि सुभाष ने थोड़ा वेट भी लूज किया है और लंबे बालों में वेट और कम लगता है। सो चलो सुभाष को ये अपॉर्चुनिटी मैंने दिया, जा तू बढ़ा ले, तुझे जितना गंदा लगना है तू लग ले। जिस दिन मुझे लगेगा कि बाल लंबे हो गए हैं,
और मैं फीता रिबन बांध सकता हूँ और मैं और एक साइड में मैं और एक साइड में रानिया सोचो ऐसे चोटियां बना रहे हैं और रिबन बांध रहे हैं। उस दिन सुभाष का शौक पूरा होगा, मतलब चल तू कर ले शौक, अब ठीक नहीं लग लग रहा है, फिर मैं आई विल चॉप देम ऑफ। सो आप लोग बोलते हो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भी बोलते हैं कंप्लीटली अग्री, लेकिन सुभाष को एक बार वो एक्सपेरिमेंट करना है तो लेट हिम डू दैट एक्सपेरिमेंट। माई लाइफ माई चॉइस माई हेयर। आई विश कि उसके हेयर को मैं आपको काट सकती, बट एनी वेज लीव दैट अपार्ट। जब मैं खुद बोलती हूँ कि माई चॉइस तो इवन आई हैव टू अलाउ हिम टू डू हिज चॉइस। तो एनी वेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो बेसिकली जो आपने सारा शॉट देखा कल, तो पहले भी हमने ऐसा फोटोशूट हमारा हुआ था, वी गॉट सिलेक्टेड, और इस बार अगेन तो बेसिकली वेट एंड जॉय जो है इट इज अ वॉटर पार्क कम अम्यूजमेंट पार्क ऑन द सेम लाइन्स एज इमेजिक। आई थिंक उतना ही पुराना होगा कि ज्यादा पुराना है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। सो बहुत बड़ा ब्रांड है, सो वी गॉट सिलेक्टेड। हाँ, मालपानी ग्रुप, नहीं पता। सो बहुत बड़ा ब्रांड है, गेटिंग सिलेक्टेड देयर एज अ फैमिली फॉर यू नो टू बी शोन ऑन देयर साइट्स ऑन देयर सोशल मीडिया इज अ ह्यूज थिंग। तो वी गॉट सिलेक्टेड, तो उनका फोटोशूट था, रील्स वगैरह उन्होंने उन्हीं के फोटोग्राफर्स कैमरामैन आपने जो भी देखा वो था। सो वो उनके दिवाली और चिल्ड्रंस डे के हिसाब से उन्होंने सारी फोटोशूट करी है, तो शायद उस टाइम के अराउंड आपको देखने को मिले उनके पेजेस पे। सो इट वॉज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग एक्सपोजर, अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई मीन मैं वही सुभाष को कहती यार, सुभाष अनन्या के लिए आई वॉज जस्ट टेलिंग सुभाष कि इस एज में इतना एक्सपोजर उसको मिल रहा है, एंड एक्सपोजर तो मतलब चलो ठीक है वो है, बट अनन्या को देख के ऐसा मतलब मैंने जब वो शॉट डाला था मैंने बोला ही था देखो मतलब शी बिकम सो फ्रेंडली, मतलब बड़े दे आर जस्ट प्रोफेशनल पीपल, एंड जाती सबसे पहले अनन्या वॉज द वन जो उनके साथ बात करती है, अच्छा यहाँ पे हम करेंगे, अच्छा मुझे वो झूलना है, ये करें क्या वो करें क्या, सो वो जो ब्रेकिंग द आइस, हाँ आइडियाज भी दे रही थी कि ऐसे लू क्या वैसे लू क्या, ये लोकेशन, सो इट वॉज लाइक सो नाइस। तो इससे ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एज अ चाइल्ड, कॉन्फिडेंस इट इज अ ह्यूज एक्सपोजर फॉर हर एट दिस एज, और हमारे लिए तो अब जाके आया है, बट वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई वुड लाइक टू थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप लोगों की वजह से यू नो वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आप लोगों का प्यार अगर नहीं होता तो कौन मानसी, कौन सुभाष, कौन अनन्या, किसी को नहीं पता था। सो ये भी जो भी अपॉर्चुनिटीज है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक, और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है ऐसे ही प्यार बनाए रखना, और जितना हो सके उतना आई विल शेयर इन माई व्लॉग, एंड आई डोंट हैव एनी अदर वर्ड्स, इट वॉज एन ऑसम एक्सपीरियंस एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, सो ऐसा प्यार बनाए रखना। थैंक यू, या थैंक यू। चलो बातें हो गई और बैठ के मैंने अभी जस्ट रील्स और शॉर्ट्स वगैरह भी अपने उसमें डाले, अब मुझे ना दूध चढ़ाना है, बिकॉज अनन्या बोल के गई है उसको आज वो खाना है, मटर पनीर खाना है, तो मटर पनीर बनाने वाली हूँ, उसके पहले सबसे पहले मैं चढ़ाने वाली हूँ दूध पनीर बनाने के लिए। सो मैं पनीर बनाने के लिए ना अमूल गोल्ड दूध है, सो पनीर बनाने के लिए ना मैं इतना बड़ा भगोना यूज करने वाली हूँ और अमूल गोल्ड दूध यूज करने वाली हूँ, तो ये अवेलेबल था इस टाइम पे, और मैं यूज करने वाली हूँ 4 पैकेट इसके, थोड़ा पनीर बच जाएगा ना तो वो रात को जैसे पनीर पराठा बनाया फिर स्कूल में टिफिन देने के लिए कुछ जरूरत पड़ता है तो उसमें बन जाता है, और पनीर बनाना घर में बहुत ईजी है और बहुत सस्ता भी पड़ता है, एक्चुअली काफी सस्ता पड़ता है, पनीर महंगा हो गया है बहुत ज्यादा। तो इससे पहले कि दूध गर्म हो जाए, कच्चा दूध निकालने वाली हूँ मैं फेस पैक बनाने के लिए, दिस मच शुड बी एनफ। मैंने ये वॉलनट वगैरह का ना पाउडर करके रख देती हूँ मैं ऐसे, तो फेस पैक वगैरह में यूज करती हूँ, बट इनमें कीड़े लग गए, खराब हो गया, वॉश करने पड़ेंगे इन दोनों को। ये सौंफ भी पीस के रखा था मैंने, ये भी खराब हो गया। दूध है, दूध में मैं ले रही हूँ ये ऑरेंज पाउडर, आप घर पे भी ना पाउडर बना सकते हो अगर धूप आती है तो, ऑरेंज तो अभी मौसम भी ऑरेंज का ही है, सो उसको अच्छे से वॉश करके जो उसके छिलके हैं उनको धूप में डाल दो और उसको पाउडर बना लो, बहुत अच्छा फेस पैक होता है विंटर्स के लिए, तो बहुत अच्छा, और वो ना स्किन के जो ब्लेमिशेज हैं उसको बहुत अच्छे से हटाता है। तो मैंने ऐसा यहाँ पे दूध में ये पाउडर ले लिया है, इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं हनी भी हल्का सा, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक पेस्ट जैसा बना लेंगे इसका। ओके, सो फेस पैक मैंने ऐसा लगा लिया और यहाँ पे आए बिकॉज मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी, फोन बंद हो गया है, सो जैसे ऐसे लगा लिया, और जैसा नॉर्मली होता है आप इसको छोड़ दो, थोड़ा ड्राई हो जाएगा, फिर जस्ट इसको रगड़ के ना निकाल लो और साफ कर लो। मटर पनीर बनाना था, मुझे लगा मटर है, एक पैकेट था लेकिन इतना कम मटर था, तो थोड़े चावल और मटर। सो ये स्पंज ब्राइड खत्म हो गया था, ये मटर ये चाहिए मुझे, ये दे दो चावल,
दिखा दो जब दिखाई रहे हैं तो. सो ये ब्लिंकिट और स्विगी का क्या स्विगी स्मार्ट करके ना कुछ स्विगी मार्ट करके स्विगी मार्ट. तो हाँ 10 मिनट में दे जाता है तो कभी भी जल्दी हो ना तो जहाँ ज्यादा बेटर प्राइस मिले मैं ब्लिंकिट और स्विगी दोनों में चेक करती हूँ जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ से ऑर्डर. ये देखो घर का बना हुआ पनीर और बाहर का पनीर कोई फर्क नहीं है बस इतना है कि ये ज्यादा चश्मा बन गया यार ज्यादा हेल्दी है और सस्ता है. एक्चुअली कल मेरा ना पनीर खत्म हो गया था तो वो शॉपकीपर जो हमारा उसने बोला था आईडी का लेके जाओ आईडी का बहुत अच्छा है. तो जनरली मैं ना बाहर का लेती नहीं हूँ अमूल वगैरह का ही लेती थी तो आईडी का लेके अच्छा तो था लेकिन भाई बड़ा महंगा था. और ये देखो ये बिल्कुल जूसी जूसी सॉफ्ट सॉफ्ट. आज यहाँ पे किचन का सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है ना बहुत ज्यादा मुश्किल मतलब ऐसा मन नहीं करता है धोने का चावल सब्जी ये सब धो दो ये धुली हुई मिल जाए ना तो फटाफट खाना बन जाता है. तो सुभाष को लगाया है चावल धोने में चावल धनिया पत्ता तो मैं इसको ना कुकर में ट्रांसफर कर दिया है तो एक दो सीटी लगा लूंगी उसके बाद सीटी निकाल के 5 मिनट और उबाल लूंगी तो अच्छा फ्लेवर आता है. यहाँ पे सैलेड भी रेडी है यहाँ पे प्याज टमाटर और खीरा और सब्जी भी बन गई है बस थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे. सो नीचे ना डेटॉल था वो खत्म हो गया तो उसके ऊपर खत्म हो गया मेरी हिंदी तो ऊपर ना पिंक कलर का हैंड वॉश डाला कितना प्यारा लग रहा है ऐसा कलरफुल ऐसा लग रहा है. दो तीन कलर लाके ना ऐसे डाल देते हैं ऊपर एक और ग्रीन कलर का ले आते हैं ऐसे लेयर बनाते हैं क्या मस्त लग रहा है ऐसा. कहते हैं ना पागलों के सींग नहीं होते ये देखो यहाँ की सींग उधर देख तभी कहते हैं बच्चे क्या लग रही है. हाँ आप समझ कर बताओ ये है क्या ये वो है ये हैंड वॉश का रिफिल पैक इसके अंदर आया था देख के पता ही लग रहा है. लंच वंच करते हैं और आज का व्लॉग यहीं पे लंच हम करते हैं एंड करते हैं. सुबह कहते हैं लंच हम करते हैं वंच तुम करना तो ठीक है मैं वंच करती हूँ ये लोग लंच करते हैं. तो आज का व्लॉग इसी गंदे से जोक के साथ वंच क्या होता है चलो आप लोग बताओ कमेंट करके मेरे को वंच क्या होता है. लंच वंच ऐसे ही लंच वंच वाला ब्रंच बोलो ना. ओ गॉड चलो इसी गंदे जोक के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ. सो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम टिल द न्यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ बाय बाय.